सो हेलो एंड असलमान खान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो माइक्स का इफ्तः करने के लिए जो है आई हैव ओल्ड बडी ऑफ माइंड जो कि यूनिवर्सिटी में मेरे साथ थे एंड ही हैज़ बिन एन इंस्परेशन फॉर मैनी इन पिशावर एंड उससे आगे भी सो वी हैव बिलाल फारूक ए के बी के कैसे हैं आप ठीक ठाक क्या सो वी के क्या हो रहा है क्या करते रहे हैं अभी तक हाँ बस लंबी कहानी है सुनाए एज इज़ कैचिंग आप सो आजकल तो वाई एम एट नैशनल एक्शन सेंटर शाउर yes. साथ में थ्री सो प्रोडक्शन को धक्के देने की कोशिश कर रहे हैं <laughs> एंड साथ साथ में कुछ पुरानी गाड़ियों को कुछ पुराने व्यस्तों को भी धक्के देने की कोशिश yeah. कर रहे हैं ज़्यादा टाइम उसी में लग जाता है भी हाँ। तो ये है एंड आई थिंक विद वर्क एंड फैमिली लाइफ नाव यू गेट कॉट पुटी बैड सो आपका यही होता है कि भाई छः बजे तक नौकरी कर लो उसके, उसके बाद जो है घर वालों को टाइम देट totally yeah. अच्छा एक चीज ये काफ़ी जो दो तीन चीज़ें आपने बोली हैं एन आई सी थर्टी सेवेंथ और उससे पहले मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग, अलग चीज़ें हैं ये सो वेयर डिड यू स्टार्ट बेसिकली सो मेरे लिए इट्स ऑल लिंक्ड ओके अच्छा मजे की बात है एन आई सीट इट्स बिन ऑलमोस्ट फोर ईयर्स नाउ फोर ईयर्स ऑलमोस्ट फोर ईयर्स तो सेप्टेम्बर फिफ्टीन सेप्टेम्बर को चार साल मेरे पूरे हो जाएंगे नहीं सीडर सो अगैन मेरे लिए इट्स तो ऑल इंटरकनेक्टेड यूजली uh, ये होता है कि लोग जब बने वारा गो टू यूनिवर्सिटीज़ आउटरीच वगैरह करते हैं टॉक टू स्टूडेंट्स टॉक टू यंग आंट्रोनोर्स तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो कहानी पढ़ा रहे हो तो हमने खुद क्या किया ठीक है तो फिर मुझे मौका मिल जाता है किस्से सुनाने का हाँ हाँ बातें तो ऐसे कर लेते हैं इसलिए तो खैर इसलिए बैठा हूँ तो बेसिकली हाउ इट स्टार्टेड वॉज अगेन थर्टी सेवन प्रोडक्शन आई थिंक इज वेरी क्लोजली लिंक नो आई मैं यहाँ पे शायद दुकान ही चलते हैं हमारी थोड़ी जेब ढीली की पैसे दिए अच्छा। अभी तक चल रही तो, उसके वो पैसे तो, पूरे हो गए चाहिए अभी और पैसे में रॉयल्टीज में तो वो था इनिशियली खैर उससे पहले भी स्टार्टेड ऑफ सो बैक इन 2008 9 वीडियो मेकिंग नई नई उस वक्त इंट्रोड्यूस हुई थी मूवी मेकर पर एडिटिंग करते हाँ। थे ऐसा ऐसा exactly. सोनी वेगस पे आए तो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी सो अगेन so उस वक्त हमें जो मज़ा आया इन अ वे सो अगेन मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं पैशन से एग्जैक्टली exactly. मतलब आई सी अ लॉट ऑफ पीपल वो इस चक्कर में करते हैं कि यार वो फ़लाना कर रहा है तो मैं भी कर लूँ हो सकता।, हो सकता है मैं भी कर लेता हूँ एंड देन दे डू इट अ अल आई नो सो मैनी पीपल जिन्होंने कैमरा उठाया हमारे साथ ठीक है देखा देखी एंड साल बाद उन्होंने बेच दिया वो दे सो फोटोग्राफी मैं थोड़ा उससे पहले से कर रहा था फोर मेगा पिक्सल एक ओलम्पस डिजिटल कैमरा होता तो उससे <laughs> Uh, उससे पहले जो है आई रिम्बर रील वाले कैमरे वर गोइंग आउट थे तो वो याशिका का एक होता था वो हाँ 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 सो उस पर जो है मैंने एक दो रिले चला चुका था मैं अच्छा। मैंने अपने लिए खरीद के तो उस पर फिर पता चला कि यार पैसे ये डिवेलप करने में <laughs> बड़ा खर्चा <laughs> आता है वो मैंने पर रख दिया सो वहाँ से एक फोटोग्राफी का था ऐसा ऐसा करते करते वो जो है वीडियो मेकिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया अगेन गाड़ियों का शौक था टामी वगैरह yeah. करते थे उस टाइम पे, सो वो एक ट्रांसलेट हुआ कि भाई फलाने को फ़ोन किया दोस्त को गाड़ी लिया वीडियो बनानी है इसको उस वक्त एंड उस वक्त एं, वो अ वेरी एलियन कॉन्सेप्ट राइट लोग एग्जैक्टली मैं इसी चीज़ को जब मद्देनज़र नज़र रखता हूँ सो इट वॉज़ यू एंड मैश ठीक yeah, है मैश yeah, yeah. को हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ़ द पाइनियर्स ठीक है जो मतलब हमें उस वक्त यूट्यूब का नहीं था पता और वो exactly. लोग जो है गाने म्यूज़िक exactly. वीडियोज़ जो है वो बना रहे होते थे उसके ऊपर एंड फिर उसके बाद जो हमने देखा तो वो आप लोगों का ट्रांजेशन था थर्टी सेवन प्रोडक्शन सॉरी ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ तो बेसिकली वी आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी तो हमने हमारी मतलब हम लोग जब अपनी जनरेशन <laughs> की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हम में वो एक कीड़ा होता था ठीक exactly. है अपने पैसों पर एवंट्स के लिए जा रहे होते थे ठीक exactly. है और अपॉर्चुनिटीज़ बनाना वॉज द मेन थिंग एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली कैमरा जिस बंदे के पास एक गिटार एक कैमरे की बड़ी स्कोप होती थी ah, गिटार ah, की तो शायद आज ah, ah, भी है ठीक ah, है कैमरा ah, बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो गया ah. उस वक्त इट वॉज अगेन एन एलियन कॉन्सेप्ट और ना फैमिलीज एक्सेप्ट करती थी न कल्चर जो है वो एक्सेप्ट करता था सो हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स सो अगेन आई थिंक फैमिली की सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होती है वो ना हो तो इवन दो अगर वो इवन इफ दे डोंट सेट आउट लाउड यू नो कि अगर कैमरा लेके दे रहे हैं तो मतलब सपोर्ट ही है एग्जैक्टली तो उसमें यही था फोटोग्राफी टिल दिस डेट हैज़ ऑलवेज बिन हॉबी मैं मतलब कि शायद मैंने बहुत कम ही कोई प्रोडक्ट शूट्स किए होंगे या उस तरह का कोई पेड शूट किया होगा क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि इफ आई प्राइस ऑन इट तो शायद वो उस पैशन में उस तरह से कुछ कमी आ जाए एग्जैक्टली सो फोटोग्राफी टिल दिस डेट इज ट्रूली अ पैशन मतलब आई गॉड ऑफ माय कंफर्ट जोन वही तुम्हारी वाली बात के पैसे लगा के खुद को तकलीफ में डाल के यू जस्ट टेक दैट वन शॉट एंड टोटली फॉर यू एग्जैक्टली वीडियो का वी डिस्कवर्ड अर्ली ऑन कि यार yeah. तो पैसे ही बन सकते हैं exactly, exactly. <laughs> सो so अगेन उसके फिर दो तरीके थे या तो हम शुरू करते वेडिंग वीडियो फोटोग्राफी ठीक yes. है जो कि हम तीनों आ, आ, पार्टनर्स ने डे वन पे कसम खाई कि हम नहीं करेंगे ठीक है <laughs> एंड प्रोबली इसलिए यही वजह कि हम शायद ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकेंट <laughs> <laughs> yes. मतलब exactly. yeah, exactly. और जिस जगह पर हम पैदा हुए हैं पेशावर में, exactly. में अ, अभी जाकर जब हम लोग जब मैं फॉर एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री में आई केम टू ईयर्स अगो मे बी मैंने mm -hmm. जो है ये चीज़ एज अ प्रोफेशन जो है वो स्टार्ट की एंड देन आई गॉट टू नो के मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ठीक mm -hmm. है वेडिंग में ना जाने का क्या रीज़न होगा आई थिंक वही जो हमारा एक सोशल स्टिग्मा कह लो वही था आई डोंट नो आई आई सॉर्ट ऑफ फेल्ट वियर्ड के यार क्या अभी शादियों में नथिंग नथिंग अगेंस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स मतलब के देर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड वही बात है कि एक हमारा भी जरूरत पड़ती है हमें भी जरूरत पड़ती है, yeah. है. Yeah. नहीं और वही बात है कि हमने काफी सारी चीज़ों के साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच किया होता है सो आई डोंट वॉन्ट टू बी वन ऑफ दो पीपल माई सेल्फ के वो yeah. कहे लेकिन मेरे ख्याल से सेट ऑफ द डे इट्स अबाउट

जितना भी हम लोग कहते हैं लेकिन हमें मतलब इट मैटर के लोग क्या exactly. कहेंगे ठीक है सो so, उसकी वजह से मतलब मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मेरे में वो शाइनेस है एंड uh अगेन -huh. जो हमारी सोशल लाइफ है uh -huh. बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, जो वेडिंग फोटोग्राफी मोस्टली लोग हैं uh -huh. वो इतने सोशल नहीं है ठीक uh -huh. uh -huh. है तो मे बी उनका एक क्लोज सर्कल है पीपल हु डायरेक्टली नो जाते हैं होंगे इसमें ऐसे भी हैं जो सोशल भी हैं लेकिन मतलब मेरा ये होता है कि मैं दिन में सो बंदे के साथ मिलता हूँ ठीक है सो देन वेन आई एम एट सच प्लेस ठीक है तो उसमें ऑब्वियसली है फिर यार हाँ क्या हाल है क्या कर रहे हो क्यों I, कर रहे हो आई थिंक आई थिंक इसमें ये भी है कि हाउ मच आर यू पैशन अबाउट दैट थिंग राइट अब सम पीपल आर वेरी पैशन अबाउट देयर वेडिंग फोटोग्राफी राइट अब इफ आई एम विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन 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 दिस फैक्ट कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट बट मुझे करना है सो so yeah. किस लेवल तक फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल वोड फील शाए गोइंग टू ऑफिस ऑन वेस्पा और बाइक मुझे नहीं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है लोग बातें कर, लोग करते हैं ठीक है खाले गुजार शर्मो ले रहे हो राइट yeah. <laughs> 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 right? मुझे इसका क्योंकि बिकॉज दैट इज समथिंग आई एम विलिंग टू डू ठीक है सो अगेन आई थिंक इट डिपेंड्स क्या है

फॉर यू इट्स इट्स एन एवरी डे प्रोसेस फ्लो एंड लोग देखते हैं कि यार ये तुमने इस तरह सोचा लॉट ऑफ टाइम ठीक है कोई बंदा इस तरह का काम कर देता है कि तुम कहते हो तो यार ये इसने और फॉर एग्जांपल कुकिंग ठीक ठीक है 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 आई नो अ लॉट ऑफ़ आर रियली गुड कुक्स मुझे साइंस ही नहीं समझ आती हमें वही ऑमलेट आता जब किचन में होती एंड <laughs> <laughs> like, yeah. so right? मतलब hmm. काफी अच्छे अच्छे उसमें खाना बना लेते हैं तो <laughs> आसान so like, ये करो ये करो, ये करो. सो अलॉट ऑफ टाइम्स ये कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि इट कम्स वेरी नेचुरली आई थिंक ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड। अच्छा मेरे से कभी भी कोई अगर क्रिएटिविटी के बारे में पूछता है ना तो मैं हमेशा जब स्पेसिफिकली आप लोगों की एग्जाम्पल मेरे सामने आती है सो so एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मैटर करता है ठीक है लाइक अ पर्सन हु ग्रू अप

सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो कि हमारा आउट ऑफ द बॉक्स होता था एक तो हम मतलब के लेट से अगर एक रेगुलर शॉट लिया जा सकता है ठीक है सो so हम कहते थे यार ये GoPro से लेते हैं क्योंकि GoPro को तुम कहीं भी बांध सकते हो देल ठीक देल। है बिल्कुल मतलब के The, हमारा इनिशियली सारा सारा फोकस होता था ऑन 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 सीमाफी या फिर कोई इस तरह का हमें हम कोई अजीब काम करें ना कि लोग सोचेंगे यार इन लोगों ने किस तरह किया दिस इज बैक इन टू थिंक सो उसके लिए हमने तब ड्रोन ही नहीं ठीक है सो आई स्टिल रिमेंबर वो uh, सरिया निकलता था गर्म एंड इट ट्विस्ट

अच्छा इसमें यही उसके ऊपर तो जाएंगे और जर्नी उसके ऊपर बिल्कुल जाते हैं कि हाउ इट चेंज योर लाइफ लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं ठीक है तो वी फाइंड वेज कि हम या। ये शॉट कैसे लें ठीक है जब हमारे पास शायद इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है लास्ट टाइम भी हमारी एक शूट के ऊपर बात हो रही थी तो इट मेक्स इजी फॉर यू ठीक है लेकिन मे बी दैट किल्स योर क्रिएटिविटी exactly uh, what do you think about it exactly soman yadi banne ko so i'm sure uh, you you follow peter McKinnon as well yes, so course. he what did he do? he cut down on his equipment a little while ago yeah. right so usne mere khade paanch lens store diye baki usne bech diye sare sare so again wahi baat hai ke मैं भी whenever i carry my camera it has like a one small pancake lens on it theek hai kyunki uske tak carry karna me asaan ho एंड वही सो आई डो किसने कहा था लेकिन दिस इज ऑलवेज लाइक कैमरा इज दू है तो इफ़ यू डोंट हैव अ कैमरा तो उसमें फिर अच्छा uh -huh. और बुरा क्या तो so बेसिकली यही है कि आई थिंक उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है ठीक hmm. है गेट समथिंग सिंपल एंड जस्ट जिस शूट एंड जस्ट शूट फॉर योर सेल्फ ठीक है मेरी तो ये फिलासफी है मतलब कि वही अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंस्टाग्राम hmm. पे फॉलोअर्स <laughs> <laughs> <followers laughs> नहीं पढ़ <पर> रहे <laughs> <साथ है. laughs>

song that we yeah, mentioned yeah, yeah. so how was that journey so so basically we were about to graduate and uh, uh, आखरी हमारा so technically हमें भेजना नहीं चाहते university को लेकिन वो I think they were sending you guys and uh, so the uh, director and जो हमारे का और senior teachers देर एक questioned कि यार एक आखरी बार इनको भी साथ ले जाओ सबको uh -huh. कि भी कुछ सीख लें तुम लोगों से सो so, हमने क्या किया कि तीन टीम्स उन्होंने एंटर की इट वाज अ कंपटीशन इन लम्स हमने तीनों के तीनों एड्स हमने बना लिए राइट इट वाज आई थिंक इट वाज वाइलेस या सो तीनों के तीनों एड्स जो है हमने बना लिए ठीक है वी 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 कंसीव्ड द आईडिया वी शॉट देम ठीक है एंड वी प्रिटेंड दैट ये तीन डिफरेंट टीम्स <laughs> ने ऐड <आद्स> ऐसा <laughs> ही हुआ था ठीक है सो उसमें वन ऑफ वन ऑफ द एड्स वाज द एमएनएम एमएनएम राइट सो वो द वाज सपोज्ड टू गेट अपलोडेड टू Facebook बिफोर वी वेंट देयर ओके

वहां पर जजेस आज के भाई ये किसने बनाया बनाया सो हमने एंड यू प्रेजेंटिंग द सेम यस नो आई थिंक आई वाज प्रेजेंटिंग द ओरियोस वन वाला सो लेकिन अगेन दे दे फाउंड आउट लाइक वो तीसरा yeah. था थोड़ा <laughs> <था, I think laughs> वो चूचू मोजो को मार रहा था एनी <laughs> हाउ <laughs> <laughs> उसमें देव लेर अमेजिंग एंड एंड फॉर दिशन अच्छा बिकॉज उस वक्त तक हमारे जो एड मेकिंग स्किल थी वो दो तीन साल होन हो चुकी थी ऑलरेडी अच्छा क्योंकि हाउ वी स्टार्टेड वॉज इनिशियली हॉबी हम बनाते थे सो जो मार्केटिंग क्लास होती थी टीचर कहता था क्रेडिट के लिए किसी ने तो बना लो तो हमने अपना भी बना लिया दूसरे को बना लिया तीसरे को बना लिया तो उसमें प्रैक्टिस भी हो गई ठीक है एंड अपना वाला अच्छा बना लिया तो नंबर थोड़ा ज्यादा मिल गया सो एडमेकिंग हम लोग उस वक्त सो वन ऑफ माई फर्स्ट बॉसेस तब्रेज बुखारी वर्कनाज वेरी बिग कॉरपोरेट उसमें जो है स्कूल और यूनिवर्सिटीज आपका जो है उसका काम भी है रियल स्टेट का भी है मिनरल वाटर भी है यू नेम एट वो सब वो सब करते हैं सो

सो वी वेंट देयर एंड एंड लाइक सो दिस इज टू थाउजेंड थर्टीन फेब्री टू थाउजेंड थर्टीन ठीक है सो उस वक्त सोशल मीडिया को न्यू मीडिया भी कहा जाता था कंपनीज yeah. के आसपास सोशल मीडिया अकाउंट होते नहीं थे राइट कुछ बहुत थोड़े बहुत सो यूज़ लाइक द वीडियो वज रियली नाइस आई वॉन्ट टू सेटअप ए न्यू न्यू मीडिया डिपार्टमेंट हेयर एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू वर्क फॉर बीकन हाउस एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू स्पेसिफिकली वर्क ऑन सी एस आर वीडियोज फॉर बीकन हाउस एक दो दिन दें और बस हम बैग पैक करके आ रहे हैं वेरी बिग लकी ब्रेक दैट वे सो अगेन उस वीडियो और उस गाने की बदौलत वी लैंड जॉब्स सोडेड फॉर सिक्स मंथ इन लाहौर इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस I'm sure, uh, जो लोग लाहौर गए हैं yeah. so आप लोग अगर कोई आपको टाइम नहीं देता न, उसे गिला ना ना कीजिएगा कभी ठीक है बिकॉज <laughs> आप उस वर्लपूल में फंस जाते हो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है right? so we spent six months there, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है लेकिन yeah. ये फिर पॉडकास्ट में <laughs> दो तीन दिन की हो जाएगी तो विल जस्ट कट इट शॉर्ट सो so, उसके बाद हम लोग आए वापस अगेन दे दे आल्सो वांटेड अस टू स्टे बट वी हैड टू कम बैक हमारा एमबीए uh, करने का प्लान था दोनों का जवाब वेंट टू नस्ट आई वाज सपोज्ड टू गो वो एक और कहानी है वो एक और कहानी है आई वाज सपोज्ड टू गो टू लीड्स बिजनेस स्कूल मेरा एडमिशन हो चुका था लेकिन लेकिन वो हिस्ट्री भी है, है कि मैं मुझे लोगों को वीजे नहीं मिलते हाँ. मुझे वीजा मिल जाता है <laughs> लेकिन मुझे फिर टिकट नहीं नहीं मिलता ठीक 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 है so so eight, eight हाँ. visas, हाँ. है 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 सो एट दिस पॉइंट टाइम टाइम आई हैव और 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 उसकी वजह से मुझे वीज़ा <laughs> वीज़ नहीं वीज़ वीज़ नहीं नहीं <laughs> नहीं मिल रहे और उसमें वही है कि ये हेड ऑफ़ आजकल कोविड हाँ,

छुट्टी के वक्त पेरेंट्स जो है दे कम इन एन आवर अर्ली ठीक है okay. ताकि पेरेंट्स आपस में नेटवर्किंग कर सकें ठीक है एंड दे वर लाइक पॉलिटिशियंस एंड मूवी स्टार्स एंड ऑल ऑफ दैट तो द मॉडर्न एजसन एक्जेक्टली एक्जेक्टली हम दे खैर एनी हाउ सो वो थे देन दे हैड अ कपल ऑफ अदर रियली फैंसी स्कूल्स और देन बीगन हाउस आता है और फिर गरीबों के एजुकेटर्स आ जाता है नथिंग एजुकेटर लेकिन अगेन दैट दैट्स हाउ दे सेगमेंटेड इट राइट बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये तो हो गई प्रोफेशन की बात ठीक है जो करंट प्रोफेशन है उस पर भी आते हैं लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर इंस्टाग्राम ठीक है यू आर वेरी वेरी एक्टिव मतलब मैं जब भी स्टोरीज खोलता हूँ दे तो आर लाइक डॉट्स सो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट ठीक है मतलब एक बंदा होता है ना कि वो मजबूरी में कर रहा होता mm -hmm. है या शो मारने के लिए कर mm -hmm. रहा होता है या स्टफ तो आई विल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट टू ओवर हेयर के मतलब mm -hmm. वो एक बंदा दिल से कर रहा होता है ना कि एक चीज मैं दिखाऊँ मैं बताऊँ सो आई रियली लव योर फीड्स जितने भी से उबर आते हैं सो यू आर मोस्टली इन टू कार्स विंटेज कार्स एंड स्टाफ ठीक है तो ये शौक कहाँ से पैदा हुआ सो so अगेन मैं कहूँगा कि ये बीमारी कहाँ से हाँ वे? ये बीमारी तो अच्छा सरप्राइजिंगली हमारे ख़ानदान में किसी को गाड़ियों का शौक नहीं है ठीक okay. है सो so अगेन ये भी कोई इन बॉन <laughs> ही मेरे ख्याल से कहीं से कोई आ गया था विंटेज uh, कार्स का पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से शौक इसीलिए चढ़ता है कि गरीबी होती है द मोस्ट अफोर्डेबल थिंग यू कैन गेट इज अ वॉक्स वैगन बीटल जो कि आई थिंक अब वो भी अफोर्डेबल नहीं है <laughs> बिल्कुल सो बैक इन द डे बनाया इनिशियली ज्वाइंट यूनिवर्सिटी तो उस वक्त आई उस लाइक यार गाड़ी चाहिए अब लेफ्ट राइट जितने दोस्त सारे टामी शामी जो थे mm -hmm. कोई शरार ले रहा है तो कोई जो है सिविविक ले रहा है अब मैंने कहा यार

So like, राइट सो मैंने कहा पचास साठ हज़ार तक मिल जाती है तो like, पच्चीस हज़ार की ठीक है जी जी ठीक <laughs> है ठीक है अच्छा मैंने इधर खरीद लिया और मैं इधर वो बात करूँ ट्रक वाले से इधर मैं भी okay. और मैंने हिसाब लगाया मैंने कहा यार अब तो बाद है और चार घंटे लग जाएंगे तो अभी <laughs> आठ बज रहे हैं तो ये जो है ना बारह बजे या सॉरी दस बजे जो है गाड़ी पहुँच जाएगी ना दस बजे से घर के बाहर बैठा बैठा गाड़ी आई गाड़ी वो रात को तीन बजे पहुंच ट्रक वाला

आई वॉन्ट टू स्टैंड सो ख़ैर बीटल खरीदी उस पर जो है इनिशियली इसी तरह चलाई काम शाम शुरू किया mm. उस वक्त जो है थोड़े बेवकूफ़ होते थे उसमें जो है बहुत बड़ा इंजन डाला ठीक <laughs> <laughs> है <laughs> <laughs> एक ईयरबॉक्स तोड़ा दो तोड़ा छः तोड़े सात तोड़े ठीक <laughs> <laughs> है उसके बाद अक्कल आई कि नहीं यार बस कर दो ठीक <laughs> है सो <laughs> अगैन uh, so उस तरह से पैशन शुरू हुआ एंड देन उसमें भी बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समिफर

क्लासिक्स आर समथिंग वेरी रेयर उसमें ऐसा ऐसा यू स्टार्ट हैंगिंग आउट विद पीपल जिनकी हॉबी सेम होती है एंड देन यू स्टार्ट इट रियलाइजिंग यार ये भी एक कॉज है सो so, <laughs> आप लोगों को आप लोगों को शायद हम बीमार लगते हो लेकिन फॉर अस इट्स अ कॉज टू सेव एवरी क्लासिक दैट वी कैन क्योंकि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम एवरी थिंग इज डिस्पोजेबल ठीक है yes. हम पुरानी चीज़ों की कदर बिल्कुल नहीं करते ठीक yes है, है? है. उठा के फेंक दी ठीक है सो so, hmm. वही हुआ दस साल पहले आपको बीटल बीस पच्चीस हजार रुपए की मिल जाती थी इसीलिए थी, थी, को होने जा रही थी। it, है। अब मसले है सारी आ, अब तो. और दूर तो वो कोई पांच लाख मांग रहे तो कोई दस लाख मांग रहे अच्छा. Beatles, जो है, जो है अब फॉर सेल पंद्रह बीस लाख रुपए की राइट सेम वाज़ द केस विद मॉरिस माइनर्स ठीक है टैक्सी चलती थी ठीक है अब आप ढूंढ के दिखाएं मुझे मॉरिस माइनर्स ठीक है मिनी आप मुझे ढूंढ के राइट? सो अगेन पुरानी चीजों की हम कदर करते नहीं है हमारे से ऐसे हैं दूसरा so, पहले कहते हैं, <laughs> <थीक> है, दूसरा <laughs> कहते हैं कि बाप के हराम का पैसा है ठीक है तीसरा वो कहते हैं कि यार ये बिगड़ी फलाना अगर खुद भी पैसों से लिए होना फिर भी कोई मसला है ऑन हैंड

क्लासिक्स में ये है कि ऑब्वियसली हाँ वो एक बंदे को लगता है कि हाँ यार ये रखने वाला बंदा है exactly, ये जो exactly. है ऑब्वियसली शौकीन बंदा है ठीक exactly. है सो यू हैव अ कंप्लीट एक आप लोगों का पूरा एक कम्युनिटी है राइट सो हाउ डज इट वर्क मतलब यू नीड टू हैव अ कार फॉर दैट एंड आई बिलीव के मतलब ये कराची से स्टार्ट होता है खैबर uh -huh, तक आता uh -huh. है एंड दे गो बैक विद मैकेनिक्स एंड एवरी थिंग मतलब इतना दिल का जोर किसका होता है अच्छा so, so uh -huh. uh, uh -huh. uh -huh. एक तो मजे मतलब की बात यह कि एक हमारा हमारी सोसाइटी में लोग हर चीज के साथ एज एसोसिएट करते हैं राइट आई एम आई एम सो ग्लैड टू जी हमारे जितने क्लब्स हैं उसमें देर आर अंकल्स ठीक है yeah. कि जो दिल में हमसे भी जवान हैं ठीक है एंड <laughs> <laughs> मतलब उनकी सपोर्ट है सारी सारी राइट सो देर मल्टीपल क्लब्स एक जो सबसे पहला आप कह सकते हैं पाइनियरिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान ठीक है वो लोग रैली करते थे हर साल फिर वही बात है कि इट इज गुड के आपके और और क्लब्स निकलने शुरू हो जाते हैं right? so, हमारे पाकिस्तान है, uh, Pakistan, right? so, हर साल रैली करते हैं या वो वी वाले होते हैं या हेरिटेज मोटरिंग क्लब वाले होते हैं right? फिर हम uh, कुछ दोस्तों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया कार्स पाकिस्तान के नाम अगेन मेन okay. uh, so तो मेरे और दोस्तों को जाता है तो पाकिस्तान जो है इट एन इंस्टाग्राम अकाउंट इट वेबसाइट सो अगेन ऑल ऑफ दिस पीपल आर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स टू प्रोट्रे ए पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान एंड 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 सेव दिज क्लासिक्स अब आप इफ़ यू गो टू क्लासिकॉट कॉम उस पर सारे सारे पाकिस्तान में जो रैलीज होती हैं उसके बारे में लिखा हुआ है एंड एंड दैर इज टेलिंग पीपल कि आप आओ पाकिस्तान रैलीज लाओ राइट सो एट एट द कोर हम सब का जो एक मैसेज है वी जस्ट वॉन्ट के ग्लोबल क्लासिक Classics की कदर की जाती है अच्छा जितनी भी आप लोगों की कम्युनिटी है मतलब इसमें तो जो बातें खैर आपने की हैं जो नाम आपने लिया तो मैंने मतलब बहुत पहली दफ़ा जो है मैं ये सारी चीजें mm -hmm. सुन रहा हूँ पाकवीसली mm -hmm. बहुत बड़ा नाम है एंड यू आर एसोसिएटेडिएटेड इन जिस तरह के सारे हैं mm -hmm. uh, उस तरह से uh yes they are very helpful as well they they've, they've contributed uh, a, a, a huge amount and i'll give all the credit to hanif bhatti saab, who was the uh, f actual founder of park wheels and yeah. he sold it to uh, sunil uh, so again hanif saab has done a brilliant job of sort of bringing the community together our mm time -hmm. obviously social media thani. so that was our social media right okay uh and then there, there's so many uh, other pioneers of classic

उनका मकसद ये है कि एक जनरेशन टू जनरेशन चीज पास हो राइट एंड एंड वो हर एक को साथ लेके चले अगेन तो और हम कितनी बार हम वेस्ट पास पे गए राइट एंड एंड वी हैड लाइक एक्सपेंसिव राइडिंग अस, राइट, लेकिन कोई उसमें ये डिफ्रेंशिएशन uh, नहीं होता स्पोर्ट्स कार्स टू क्लासिक्स क्योंकि yeah. वो एक स्पोर्ट्स कार में होता है कि यार मेरी वाली तेरे से तेज है हाँ, मेरी, हाँ. मेरी वाली तेरे से महंगी है तेरे से अच्छी है सो यू डोंट हैव दैट विद क्लासिक कार एवरी एवरीवन इज इज ऑन द सेम पेज ऑन द सेम लेवल एग्जैक्टली अभी हम लोग रिसेंटली uh, जो है नथिया के लिए गए थे फॉर अ प्रोजेक्ट तो हम लोग इलीट्स में स्टे कर रहे थे तो इलीट्स के बाहर मतलब वो बाइक्स नहीं थी वो कोई अलग किस्म की दुनिया थी ना mm -hmm. एंड उसमें आई गेस कोई तकरीबन थर्टी थर्टी फाइव बाइक्स थी एंड मतलब ऐसी चीज़ें थी जो मतलब जिंदगी में हमने पहले कभी नहीं देखी थी मतलब मैं नदी दसा थोड़ा लगा लेकिन <laughs> मतलब था ऐसा ही था मतलब आई शो एग्जैक्टली एंड जब हमें मतलब थोड़ा बहुत पता चला तो वी वर देयर तो हमने कोशिश की हमने कहा चलो अगर इनका टाइम है सो व्हील में एक वीडियो फोता है ना जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ Being there with them, ना तो हम लोग ने उसके लिए जब रीच आउट किया तो हमें चौकीदार ने बताया कि इसमें एक एक बाइक जो है मतलब वो करोड़ से ऊपर बाइक हैं इनके पीछे जो है चार वीगोस खड़ी हुई हैं ये इनके साथ आई हैं ठीक है ये बैकअप कार्स है ठीक है और ये यहाँ से यहाँ तक जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस्लामाबाद तक राइड करके जाएंगे इस्लामाबाद से इस एरिया तक जो है ये फिर बाइक लोड होंगी और मतलब मैंने वो जब सारी कहानी सुनी है मतलब इतना दिल का जोर एंड uh -huh. मतलब उसमें अगेन आपकी बात के हर एज के लोग हैं ठीक है, yeah. है exactly. तो यंग तो ठीक है ठीक uh -huh. है लेकिन मतलब उसमें मतलब मिडिल के लोग इवन जो है मतलब बूढ़े लोग exactly. वो इस चीज का बहुत ज्यादा करते हैं एंड एक चीज जो मैं यहाँ पे थोड़ा वो करना चाहता हूँ

Classics वाले बड़ा दिल रखते हैं हाँ, क्योंकि हाँ। आप लोगों की जितनी भी गैदरिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें एक साइड पे जो है सारीपा खड़ी चीजें exactly, खड़ी हुई हैं, exactly. सारी हैं दूसरी so, जो है so, लाजम और मलजूम

दैसपा ए बॉट आई थिंक अभी उसके भी चार साल हो गए hmm. uh, yeah. वो भी घर वालों ने काफी कहा कि ये ले लिया और गिर जाओगे और ये हो जाएगा। exactly, yeah. जो होता है इट इजरसिंग राइट हाँ वेस्पा नहीं बाइक <laughs> <laughs> बड़ी बड़ी खानदानी खान सवारी है <laughs> ये okay. पिछोरी सारे ना दादाओं सो अगेन उसका फ्रीडम ऑन अनदर लेवल ठीक okay. है मतलब कि जितने हमारे बाइकर बॉयज हैं वो कहते हैं यार वो बाइक का बड़ा मजा आता है सनर सो hmm. so, आपको हर जगह सीडी सेवेंटी वाला क्यों नजर आता है राइट बिकॉज़ इट्स फ्रीडम मतलब इट्स 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 द काइंड ऑफ फ्रीडम जो सीडी सेवेंटी वाला कभी भी ये नहीं कहेगा आई एम श्योर आई एम श्योर देखें आप जो है अब पिछले दिनों वी वर इन चित्राल फॉर सम वर्क एंड वहाँ पे वी वर इन ए वीगो और बहुत hmm. एक खराब जगह थी एंड वो रोड बहुत खराब था एंड एंड उधर से एक सीट सेवेंटी वाला आ रहा है राइट सो वन ऑफ द गाइज यार आई एम श्योर ये भी मार्स पे जो रोवर लैंड शायद उधर भी सेवेंटी वाला फिर रहा है राइट सो वो कहीं भी पहुंच जाते हैं ठीक है एंड <laughs> यही है कि बिकॉज इट इट गिवस यू दैट फ्रीडम एक yeah. तो सौ रुपए के पेट्रोल में शायद वो पिछार से तरल लग गया हो ठीक <laughs> 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 है सो अगेन दैट्स फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल

है एट दिस पॉइंट टाइम आई फोर बाइक्स एक पांचवे का सौदा मैंने किया हुआ है आई होप मेरी बेगम में पॉडकास्ट ना देखे <laughs> 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 अच्छा एक मैंने खरीदा हुआ था लेकिन वो एक दोस्त है वो ले गया यू बस मैं जा रहा हूँ

कि इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी अगर हमें किसी को हेल्प नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आगे हमारी <laughs> मदद नहीं करेगी किसी ने बिल्कुल लेकिन आ, मैं अभी तक यही चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी जितनी भी हॉबीज रही हैं वेदर इट वॉज फोटोग्राफी इट टर्न आउट टू बी अ प्रोफेशन ठीक है देर वॉज अ मनी मेकिंग एस्पेक्ट इन एट ठीक है वेदर इट वॉज वीडियो फिर अगर हम लोग इसकी भी बात करें तो आपने अभी जैसा जिक्र किया आई नो के मतलब यू आर नॉट डूइंग इट एज अ बिजनेस बट यू कैन एक्चुअली डू इट एज अ बिजनेस एज वे खैर वी डोंट लुक अपॉन देम अच्छी नज़र से जो कि कारोबार करता है ठीक है आज उसने एक गाड़ी रखी है कल दूसरी रखी है सो अगेन उसमें आई थिंक इट इट लूज द पैशन ठीक है yeah. मतलब अगर आप बेचने के लिए ले रहे हो जिस तरह एज ए सेट कि फोटोग्राफी को मैंने कभी एज अ बिजनेस नहीं लिया बिकॉज इन माई ओपिनियन इट वुड लूज इट्स सोल ठीक है सिविलरली सेम केस विक्स ठीक है हाँ देर आर पीपल अच्छा इसमें गलत बात कोई नहीं है आई नो यंगस्टर्स के जो ये कहते हैं कि एक गाड़ी खरीदी रिस्टोर hmm. की चलाई शौक पूरा किया बेचती दूसरी खरीदी सो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलते हैं राइट सो अगेन उसमें कोई वो नहीं है लेकिन अगेन अक्सर लोग इस तरह होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं कोई खड़ी हुई पुरानी मिनी और वो कहेंगे कि भाई ये तो मुझे पता है कि भाई बहुत, बहुत बड़ी वो गाड़ी है और मैं जो है इसके तीस लाख रुपए मांग रहा हूँ राइट सो अगेन उस टाइप लो, it, के लोग इट्स जस्ट कि आप मतलब कि यू डोंट यूरोनो

ठीक है कि नहीं कोई बात नहीं उसके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन इंस्टाग्राम पे डज इट हेल्प यू ठीक है वाई डू एग्जैक्टली डू इट बल्कि दिस के वाई डू एग्जैक्टली डू इट सो आई I do फॉर माई सेल्फ ठीक है uh, मुझे इतने ज़्यादा मैसेज रिसीव होते हैं यू शू व्लॉगिंग ठीक है yeah. मतलब आई I, I even मैसेज you वंस हाँ, के मतलब हाँ. You actually edited those हाँ, हाँ. clips. It you is a vlog. them up. <laughs> yeah, exactly. And you made a vlog and then you posted it exactly. as a story. Yeah. So Th I do that quite often. Yeah. लेकिन उसमें ये होता है कि so I think जो आजकल जितना आपका so so you would know that सबसे ज़्यादा कि आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो frequency matter करती है ठीक है कि आप कितनी तेज़ी से content चढ़ा रहे हो ठीक है it's mostly quantity over quality ठीक है तो आई थिंक मैं उस मामले में बड़ा फिनिकी हूँ ठीक है आई वॉन्ट थिंग्स टू बी परफेक्ट

ऑल दोज थिंग्स ऑन माई माइंड इतना ज़्यादा मतलब इंसान के ऊपर प्रेशर आता है सो आई टोटली अग्री विद यू ऑन दैट लेकिन इसमें अगेन जो फ्रीक्वेंसी की आपने बात की सो यू आर वेरी फ्रीक्वेंट ऑन इंस्टाग्राम ठीक है एंड आई एम नॉट मॉकिंग यू ऑन दिस ठीक है <laughs> लेकिन आई रीली वॉन्ट टू नो बिकॉज हम भी उसी एक लहर में जो है वह खड़े हुए हैं कि यू आर नॉट गेटिंग वट यू डिजर्व ऑन इंस्टाग्राम इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग फॉलोअर्स में देखें एंड एवरी थिंग लाइक यू स्टार्ट विद नाइन थाउजेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाव ठीक है सो वट यू थिंक इज़ रीज़न फॉर दैट थिंक लाइक फ्रीक्वेंसी इज नॉट द रीजन फॉर यू एट you. रीजन फॉर सबसे सबसे जो बड़ी बात ये होती है उसमें आई एव नेवर कॉल्ड माई सेल्फ इन इन्फ्लुएंसर ठीक है मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं आई टेल everyone it's इट्स जस्ट मी लिविंग life लाइफ ऑन इंस्टाग्राम ठीक है आई क्रिएट ऑल ऑफ दैट कॉन्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर माई सेल्फ मैंने साल पहले मैसेज भी बंद कर दिए सो नो वन कैन रिप्लाई टू माई मैं तंग हो गया था राइट सो right? so अगर इफ आई वुड वेयर एन इन्फ्लुएंसर हैट एंड मैं सोचता कि यार नहीं नहीं लोग इंगेज करेंगे फॉलोइंग ज्यादा होगी ठीक ठीक आई डोंट केयर अबाउट दैट है इट्स नॉट आई एंड यू वुड भी सरप्राइज मुझे जो बंदा मैसेज करता है आई रिप्लाई टू दै अच्छा आई गो आउट ऑफ माई वे अलॉट ऑफ टाइम्स इवन दो अगर आई डोंट लाइक इट ठीक है मैं तंग होता हूँ अगर कोई मुझे कहता है कि यार

मतलब कि आई आई डू ऑन इट वट एवर आई थिंक इज गुड नॉट वट लोग क्या कहेंगे ठीक okay, है लोग yes. जो समझे समझे ठीक है किसी को हाँ. कॉन्टेंट नहीं पसंद आता ना पसंद आया अनफॉलो करे ठीक है वो है रिसेंटली तो भाई ने थोड़ी कैंपेन शुरू की थी <laughs> 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 फलस्तीन की आजादी के लिए <laughs> <laughs> वो इंस्टाग्राम ने कहा कि बेटा तू रुक जा <laughs> तेरा हम इंस्टाग्राम जो है ना उसको वो करते हैं ऑक्यूपाई करते हैं सो आई थिंक माई हैज गॉन डाउन मतलब वन फोर्थ पे आ गई है वो सिमिलरली माई एंगेजमेंट जो कि अगर एक पोस्ट ऑन एवरेज दो सौ ढाई सौ होते थे लाइक्स exactly. सो so, वो जो है सत्तर अस्सी पे आ गए लेकिन दैट वॉज अ वंडरफुल थिंग टू डू के मतलब आपने जो है फिर भी इसको जो है वही एम्पलीफिकेशन ऐसे हम लोग कहते हैं ठीक exactly. ठीक है 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 कि एक चीज को amplify करना जो उस uh, exactly. टाइम के लिए जो है वो जरूरी थी अच्छा ठीक uh, है